सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ। सो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जुनैद कालेवाला भाई के बारे में। एंड जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत टाइम से इनकी साइड से कोई प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट या फिर क्या चल रहा है, कौन सा शो ये खेल सकते हैं, कुछ भी अपडेट नहीं दे रहे थे। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपना एक अपडेट तो शेयर कर दिया, वो है इनका प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट। तो आप लोग देख सकते हो इस अपडेट के अंदर के अपने जुनैद कालेवाला भाई प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं, फ्रंट बॉडी से प्लस उनकी बैक बॉडी की आप लोग प्रेजेंट टाइम की जो फिजिक है उसको भी गाइस नोटिस कर सकते हो। एंड एक चीज तो गाइस कंफर्म हो गई इस फिजिक अपडेट के साथ में कि उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे स्टेज रेडी हो रही है एंड बहुत जल्दी वो किसी शो के अंदर कॉम्पीट कर सकते हैं। अब वो शो कौन सा होने वाला है, दिल्ली प्रो शो होगा या फिर कोई और शो होगा, वो तो गाइस कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे कुछ कंफर्मेशन आती है उनकी साइड से वो मैं आप लोग को बता दूंगा। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नितिन चंडेला भाई के बारे में। तो नितिन चंडेला भाई की साइड से इनके प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है उसका गाइस अपडेट आउट हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि किसी शो के अंदर कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन वो उसका नेम जो है वो बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाले। एंड स्टिल उन्हें इस साल के पहले कॉम्पिटिशन के लिए 5 वीक से भी कम का टाइम बचा है। एंड आप लोग देख सकते हो नितिन चंडेला भाई की जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक है वो गाइस कैसी है आप लोग को देखने को मिलेगा। काफी अच्छी उन्होंने फिजिक अभी होल्ड कर रखी है। एंड गाइस जैसे कि आप लोग को पता हो कि अपने नितिन चंडेला भाई जो है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम प्रेप नहीं करते, जैसे बहुत सारे एथलीट होते हैं पहले एक कंप्लीट बल्किंग फेज करते हैं फिर कटिंग फेज में आते हैं, लेकिन अपने नितिन चंडेला भाई थोड़ा सा बल्किंग करने के बाद में अपने कटिंग फेज स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अभी तो भाई वो धीरे धीरे शेडेड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे शो के और नज़दीक आते जाएंगे आप लोग को और भी ज्यादा रिप्ड एंड आप लोग को कंडीशनिंग होते हुए नजर आ जाएंगे अपने नितिन चंडेला भाई। बाकी इस बार के पहले शो में उन्होंने काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया अपने फैंस को, क्या वो कुछ शो के अंदर कॉम्पीट करेंगे, बाकी लेट्स सी क्या कन्फर्मेशन आती है उनकी साइड से इन फ्यूचर, मैं आप लोग को बता दूंगा। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लवप्रीत सिंह भाई के बारे में। तो लवप्रीत भाई की तरफ से इनको जो प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट है वो गाइस आउट हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हो कि वो काफी ज्यादा फुलनेस अभी अपने बॉडी के अंदर शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग उनके शोल्डर की साइड फोकस करो तो आप लोग को राउंड शेप में देखने को मिलेंगे, उनकी जो चेस्ट है वो भी आप लोग को काफी ज्यादा फुलनेस देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक दिल्ली प्रो शो के अंदर अपने जो लवप्रीत सिंह भाई हैं वो फुलनेस प्लस रिबनेस का ही गेम खेलने वाले हैं। बाकी आप लोग क्या लगता है कि इनका जो फाइनल पैकेज हो सकता है वो कितना ज्यादा शेडेड एंड रिब्ड कंडीशनिंग के साथ में वो आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक अमेचर एथलीट से जब वो प्रो एथलीट बने हैं तो भाई उनकी बॉडी में तो आप लोग को चेंजेस देखने को जरूर से मिलेंगे। बाकी लेट्स सी उनका इस बार का जो फाइनल पैकेज होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रवनीत सिंह भाई के बारे में। जी हाँ गाइस, इनके साइड से भी काफी लॉन्ग टाइम के बाद जाके एक अपडेट आउट हुआ है जो कि ये फ्रंट बॉडी का प्लस बैक बॉडी का दोनों का अपडेट एंड आप लोग बोल सकते हैं कंप्लीट फिजिक अपडेट शेयर कर देते हैं। एंड आप लोग को जो वीडियो है वो थोड़ी अंधेरे में देखने को मिलेगी, इस वजह से उनकी जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो इतनी अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हो उनकी फ्रंट बॉडी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है अभी। आप लोग देख सकते हो तो काफी अच्छी वो प्रेजेंट टाइम में जो फिजिक है उसको अचीव कर चुके हैं। एंड खासतौर पर उनके ऑब्लिक्स भाई काफी अनबीटेबल वो फ्रंट बॉडी लेके आने वाले इस बार के प्रो शो के अंदर। बैक बॉडी वो इतना अच्छे से नहीं दिखाते, लेकिन बैक बॉडी में आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी फुलनेस आप लोग को वहां पे भी देखने को मिलेगी एंड थोड़ा डिटेलिंग और भी अच्छे से वो शो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हर शो के अंदर आप लोगों को उनकी जो बैक है वो एक नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग को अचीव करते हुए नजर आएगी, बट लेट्स सी इस बार वो कंप्लीट जो फिजिक है वो किस तरह की अचीव करते हुए नजर आएंगे। आप लोग क्या लगता है कमेंट सेशन के अंदर आप लोग बताना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने मनोज पाटिल भाई के बारे में। एंड इन्होंने गाइस कंप्लीट फिजिक अपडेट तो शेयर नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपना प्रेजेंट टाइम का जो बैक का अपडेट है उसको शेयर कर दिया है। एंड आप लोग देख सकते हो उनकी जो प्रेजेंट टाइम में बैक है वो किस तरह की दिख रही है। एंड ऑब्वियसली गाइज ये वाली जो अपडेट है वो भी आप लोग को थोड़ी अंधेरे में देखने को मिलेगी, इस वजह से उनकी जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही। अपर बैक की बात करें तो वहां पे भी आप लोगों को इतना अच्छे से सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, बट हाँ
थोड़ा बहुत तो उनकी जो बैक है उसमें आप लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मनोज पाटिल भाई जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे अपनी फ्रंट बॉडी में, खासतौर पर एब्डोमिनल एरिया में। एंड फ्रंट बॉडी का जो अपडेट है वो अभी तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन लेट्स सी, जब भी वो डालते हैं तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा एंड देखते हैं भाई कितना वो इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, किस तरह की फिजिक को अचीव कर पाते हैं इस साल के दिल्ली शो के अंदर। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड इंटरनेशनल न्यूज के रिगार्डिंग। एंड इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले निक वॉकर के बारे में। तो रिसेंट में गाइस इनकी साइड से एक फिजिक अपडेट जो है वो आउट किया गया था, जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल अपडेट मैं बोलना चाहूंगा हो गया था। एंड ये वाला जो अपडेट है निक अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करते हैं, एंड आप लोग को यहाँ पे प्योरली एडिटिंग एंड फोटो सॉफ्ट किया हुआ नजर आएगा। इसका मैं प्रूफ आप लोग को एक दोनों अपडेट के अंदर आप लोग देख सकते हो, निक अपने बाइसेप्स प्लस ट्राइसेप्स दोनों पे ही फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस इजीली विजिबल हो जाएगा कौन सा रियल है एंड कौन सा फोटोशॉप एंड एडिटेड है। तो यही रीजन था जिसकी वजह से भाई ये अपलोड करते ही अपडेट उनको काफी लोग हेट करने एंड फोटोशॉप एडिटिंग वगैरह ऐसा कुछ कमेंट करने लगे। बट फिलहाल में निक जो है वो इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इन फ्यूचर अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोग को बता दूंगा। सो आज के में गाइस इतने अपडेट्स थे। अगर जो चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।